हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिखा द ब्लीच गर्ल। में और मैं जिस पार्ट से आपको रूबरू कराने वाली हूँ आज, वो आप बहुत कुछ तो देखकर समझ ही गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो है वो किसे हुए भुट्टे हैं, मठा रखा हुआ है, और ये जो आइटम बनवाने जा रही है मुझसे वो है मेरी दादी। दादी को बहुत सारे देसी आइटम बनाने आते हैं और दादी ये कोशिश करती है कि हम लोगों को वो सब कुछ सिखा दे, जिससे कि जो स्वाद वो उन्होंने हमें जो दिया है वो बना रहे और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ये बता सकें कि ये कुछ देसी आइटम जो होते हैं वो कितने स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और कितने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इस महरी का जो स्वाद है, अगर आप इसे अपने जीवन में एक बार खा लेंगे तो डैम श्योर आप अपने जीवन में इसके स्वाद को कभी भी नहीं भूलेंगे। गांव से जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो इस स्वाद को बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि महरी जो है वो चावल के दन्ने की भी बनाई जाती है, ज्वार के दन्ने की बनाई जाती है, और हम जो महरी इस सीजन में बनाते हैं बारिश के मौसम में वो ताजे भुट्टों की बनाते हैं। ताजे भुट्टों को किस लिया जाता है, मैं अभी यहाँ पर कुछ भुट्टे किस कर आपको दिखाऊंगी, और किसने के बाद ये मठा रखा हुआ है हमारे पास, इस मठे में हम इसको डाल देंगे। और दादी का कहना है कि कम से कम 2 से 3 घंटे तक इसको चूरने देना है, या देशी भाषा में अगर कहा जाए तो इसको खतकने देना है। और जब ये बहुत अच्छी खतक जाती है उसके बाद महरी बनकर तैयार होती है, जिसे दूध के साथ खाया जाता है। दूध भी थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए और महरी भी थोड़ी ठंडी होनी चाहिए, अदरवाइज गरम महरी में दूध डाला जाता है तो दूध फट जाता है। नमक भी डालते हैं और नमक भी डालते हैं दादी मेरी बता रही है। तो दादी मैं ये किस लूँ, आप मुझे बताना और क्या क्या करना है। इस तरह से जब ये भुट्टे सूख जाते हैं तो हम उस भुट्टे को सूखी हुई मक्का डाल लेते हैं चक्की से। सूखी हुई मक्का को मेरी दादी बता रही है चक्की से वो दर लेती है, मोटा मोटा सा आटा बना लेती है। और जब वो सूखी हुई मक्का इस मौसम में नहीं मिलती है तो हम कुछ गीले भुट्टों को इस तरह से किस लेते हैं। और करीबन यहाँ पर मैं 8 से 10 भुट्टे किसने वाली हूँ और किसकर इन भुट्टों को दादी जैसा बताएंगी। दादी कहती हैं कि मही के साथ तुरंत इस मिक्सर को डाला जाता है, अदरवाइज मही को अगर आप डायरेक्ट जलती हुई तेज आंच पर चढ़ा देंगे तो मही फट भी सकता है, और मही को जो है वो लगातार चलाते रहना पड़ता है। और देखिए मेरी जो दादी ने भुट्टे सेक कर रख दिए हैं और मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं इस महेरी को बनाते बनाते भुट्टे खा लूँ, लेकिन मेरी दादी खाने नहीं देंगी क्योंकि वो कोई भी आइटम बनाते वक्त झूठा मुँह करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देती है और पिटाई भी लगा देती है। तो अब है ना, नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगी कि हम इसको कैसे इसमें करेंगे, ठीक है। मैंने जो पार्ट यहाँ पर किसा था भुट्टे का, वो सारा का सारा भुट्टा मैंने इस बड़े बर्तन में डाल दिया है। बड़े बर्तन में डालने के बाद दादी का ये कहना है कि करीबन इसको हमें 1/2 घंटे से 1 घंटे तक, या हो सकता है 1.5 घंटे तक भी कंटिन्यू चलाते रहना है। और दादी ने मेरे लिए बताया है कि इसमें हमें नमक भी ऐड करना है, नमक इसे बनाते वक्त। और दादी और क्या करना है, बस खाना ठंडी हो जाए तभी। आप जब बनाती थी दादी इसको तब करीबन कितने लोगों के लिए बनता था ये? 15 लोगों की महेरी दादी बनाती थी इसको, और दादी ने ही हमें ये सिखाया है। और इतना अच्छा फ्लेवर होता है, इतना अच्छा टेस्ट होता है बिहार की और यूपी की, तो ये फेमस डिश है। अगर आप पूछेंगे किसी से कि महेरी कैसे बनाई जाती है तो वो आप सभी लोगों को बताएंगे। ये देखिए कुछ आग भी थोड़ी थोड़ी सी कम होती जा रही है, हमें थोड़ी थोड़ी सी देर में इसको हवा देना होगा ताकि ये अच्छे से चुड़ जाए। जब ये, वैसे तो हम इसे महेरी को गैस पे भी बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि गैस पे वो स्वाद नहीं आता सोंधा, गैस पे बहुत जल्दी उबाल आ जाता है, लेकिन सिगड़ी पर या फिर चूल्हे पर जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो वो अपने नेचुरल टेस्ट को बरकरार रखती है और एक अच्छा सा फ्लेवर मिल जाता है, कहना चाहिए उसमें कोयले का, तो बहुत ही अच्छा उसमें टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमारी महेरी मुझे लगता है बनकर कुछ ही देर में, क्योंकि हमने 1.5 घंटे तक हम ये रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने जो है महेरी को पहले ही 1.5 घंटे तक कंटिन्यू इसे उबाल लिया है। और मेरी दादी जैसे बताती जा रही थी वैसा मैंने किया है, और मैं कोशिश करती हूँ मेरी दादी के साथ बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूँ, जिससे कि मैं भी बनाना सीख पाऊँ और मेरी दादी जो है वो मुझे नया नया कुछ सिखा पाए और ये सारे आइटम मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। कम से कम जो लोग गांव से जुड़े हैं वो इस टेस्ट को भले ही इस उन्हें खाने ना मिले, लेकिन इसे महसूस ज़रूर कर पा रहे होंगे। बहुत भीनी भीनी सी, खट्टी सी, सोनी सी खुशबू आने लगी है हमारी इस महरी में। और हमारे यहाँ जो छोटा बेटा है या मेरी सिस्टर है और मेरे पापा हैं, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि महरी उन्हें खाने को मिले। तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको थोड़ी सी महरी को एक बाउल में ले लेते हैं और मैं से दूध के साथ इसको टेस्ट करके बताती हूँ आपको।
देखिए मैं इस महरी में दूध का पार्ट ऐड कर रही हूँ, और जितना आप दूध का पार्ट ऐड करेंगे इसमें उतनी ही आपको सौंधी सौंधी सी लगेगी। और भैंस का दूध हो और हमारी बहेरी हो, और कई जगह पर इसको शक्कर से खाया जाता है, गुड़ से खाया जाता है, लेकिन गुड़ से नहीं, शक्कर से, शक्कर से खाया जाता है। और हम लोग जो इसे खाना पसंद, मेरी बहन जो इसे मलाई से खाती है वो उसका अलग टेस्ट है, और कुछ लोग उसे हरी मिर्च के साथ भी खाते हैं, लेकिन मुझे ये महरी सिर्फ और सिर्फ दूध के साथ पसंद है, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। मैं आपको खा के दिखाती हूँ, शायद कुछ लोगों के मुंह में पानी आ जाए और वो इस महरी को टेस्ट करने के लिए मेरे गांव भी आ जाए, और मेरी दादी फिर उन्हें बना कर खिलाएंगी तो शायद वो ये टेस्ट कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये देखिए मैं खा के दिखाती हूँ, ये बहुत टेस्टी है, और मुझे आज कहीं खाना खाने जाना है, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरी महेरी को खाऊं। तो दोस्तों ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी, हमें लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और बताइएगा क्या आप मेरी दादी के हाथों की और कोई डिश खाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं जो कभी आप अपनी दादी और नानी के साथ खाया करते थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत और जय मेरी दादी।